दोस्तों साइमन कॉवल एक टीवी प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, टैलेंट मैनेजर और फेमस म्यूजिक टीवी शो एक्स फैक्टर के जज हैं। इसके अलावा साइमन यूके के कई शोज के जज रह चुके हैं, जैसे कि पॉप आइडल, द एक्स फैक्टर और ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट। इन्होंने कई अमेरिकन शोज में भी एज अ जज काम किया है। उन शोज के नाम है अमेरिकन आइडल, द एक्स फैक्टर एंड अमेरिकाज गॉट टैलेंट। साइमन कॉवल एक ब्रिटिश एंटरटेनमेंट कंपनी साइको के प्रिंसिपल फाउंडर और सीईओ भी हैं। साइमन दुनिया की 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट का हिस्सा भी रह चुके हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे साइमन कॉवल की लाइफस्टाइल वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप साइमन के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइमन का पूरा नाम है साइमन फिलिप कॉवल। साइमन के निकनेम्स हैं नास्टी साइमन, मिस्टर नास्टी, जज ड्रेड और सार्केस्टिक साइमन। ये प्रोफेशन से एक A&R रिप्रेजेंटेटिव, रियलिटी टेलीविजन जज, एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। साइमन कॉवल अक्टूबर 7, 1959 को लंदन में पैदा हुए थे और इस अनुसार इनकी एज है 59 साल। कॉवल ने अपनी स्टार्ट की एजुकेशन रेडल प्रिपेरेटरी स्कूल से की। आगे जाकर इन्होंने अपनी पढ़ाई द इंडिपेंडेंट डोवर कॉलेज से मेन ओ लेवल्स तक कंप्लीट की। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एक GCE कंप्लीट की और फिर विंडसर टेक्निकल कॉलेज से भी सोशियोलॉजी में एक GCE मुकम्मल की। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं साइमन की फैमिली से। साइमन के पिता का नाम है एरिक सेलिक फिलिप कॉवल। साइमन की माँ का नाम है जूली ब्रेड जोजी। इनके 4 भाई और एक बहन है जिनके नाम है निकोलस कॉवल, जॉन कॉवल, टोनी कॉवल, माइकल कॉवल और जून कॉवल। इनकी करंट गर्लफ्रेंड का नाम है लॉरेन सिल्वरमैन। लॉरेन और साइमन का एक बेटा भी है जिसका नाम है एरिक। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं साइमन के कैरियर के बारे में। साइमन कई अमेरिकन और ब्रिटिश टीवी शोज में एज ए जज काम कर चुके हैं। 1985 में इन्होंने और इनके एक दोस्त ने फैनफेयर रिकॉर्ड्स नाम की कंपनी खोली। ये एक म्यूजिक कंपनी थी जो कि बहुत कामयाब रही। इसके बाद BMC रिकॉर्ड्स ने कॉवल को न्यू टैलेंट डिस्कवर करने के लिए हायर किया। साइमन ने कई नए म्यूजिक आर्टिस्ट को डिस्कवर करके उनको ब्रेक दिया और यहीं से साइमन के फेम में इजाफा होता चला गया। इसके बाद इनको एक टीवी शो के जज के तौर पर काम मिला और यूं साइमन यूके के सबसे बड़े टीवी जज बने। साथ ही साथ आपको बता दे चलें कि साइमन एक एक्टर भी हैं और इन्होंने अपना पहला फिल्म डेब्यू 2000 में दिया था मूवी बेबी एज ए कैमियो में काम करके। इन्होंने 1989 में टेलीविजन डेब्यू भी दिया था टीवी शो सेल ऑफ द सेंचुरी में पार्टिसिपेट करके। इसके अलावा साइमन कई टीवी कमर्शियल्स में काम कर चुके हैं, जैसे कि वेराइजन एक्स्ट्रा फैक्टर एप्लीकेशन, वनीला कोक और पिज्जा हट वगैरह। साइमन 2012 में सोनी एक्स हेडफोन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं साइमन के इनकम और नेटवर्थ की। साइमन की पर मंथ सैलरी है $95 मिलियन जो कि रुपीज के हिसाब से बनते हैं 270 करोड़ रुपए। साइमन दुनिया के सबसे महंगे तरीन टीवी जज हैं और ये पर एपिसोड $10 मिलियन चार्ज करते हैं। साइमन की नेटवर्थ है $590 मिलियन जो कि रुपीज के हिसाब से बनते हैं 600 करोड़ रुपए। अब चलिए तो बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। इनको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए तो बात कर लेते हैं साइमन की हाउस कलेक्शन की। नंबर 1 मालिबू मेंशन। साइमन का मालिबू में एक मेंशन है जिसकी प्राइस है पूरे $24 मिलियन जो कि रुपीज के हिसाब से बनते हैं 180 करोड़ रुपए। साइमन का ये मेंशन बहुत फेमस है। इस मेंशन में 6 कमरे और 7 बाथरूम्स हैं और एक 1.5 एकड़ का गार्डन भी है। ये मेंशन समंदर के ठीक साथ में है जिस कारण से इस घर का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। इस मेंशन में एक टेनिस कोर्ट भी है। इस घर में 6 जगह फायरप्लेस बने हुए हैं ताकि सर्दियों में नेचुरल ट्रेडिशनल सिस्टम यूज किया जा सके। नंबर 2 हॉलैंड हाउस। साइमन का एक मेंशन लंदन के सबसे पॉश नेबरहुड हॉलैंड पार्क में भी है। ये घर पूरे 15 मिलियन का है और इस घर को साइमन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इस घर में 8 कमरे और 9 बाथरूम हैं। यहाँ एक पार्टी लाउंज और डाइनिंग एरिया भी है। यहाँ एक स्विमिंग पूल एरिया भी है जिसमें आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम भी है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। कॉवल के पास सुपर कार्स की एक पूरी कलेक्शन मौजूद है। कॉवल को जितनी महंगी सुपर कार्स खरीदने का शौक है वो शायद ही किसी और सेलिब्रिटी को होगा। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने हाल ही में टेस्ला मॉडल एक्स और एक रोल्स रॉयस फैंटम खरीदी है जिनकी टोटल प्राइस है $5 लाख यानी कि पूरे 37 मिलियन इंडियन रुपीज। इसके अलावा इनके पास एक यूरस पेंटले कॉन्टिनेंटल GT
और बुगाटी वेरॉन भी है। इनमें से हर गाड़ी कम से कम $1 मिलियन से $2 मिलियन तक की है। इसके अलावा साइमन के पास एक जगुआर ईगल स्पीडस्टर भी है जो कि $650,000 की है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनता है 40 करोड़ रुपए। इनके पास मौजूद द बुगाटी वेरॉन दुनिया में सिर्फ चंद ही लोगों के पास है और इसकी प्राइस 1.7 मिलियन US, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनता है 124 मिलियन रुपए। इनके पास एक फोर्ड ब्रोंको SUV भी है जो कि 1960s की एक नायाब और बहुत ही एक्सपेंसिव कार है। साइमन की रोल्स रॉयस फैंटम भी बहुत रेयर कार है और इसकी प्राइस 8 लाख यूरो। इनके पास एक फरारी 458 इटालिया भी है। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कार है। साइमन के अलावा ये कार सिर्फ किम कैंडाशियन और गॉर्डन रैम्सी के पास है। इनके पास एक बेंटले एज्योर कार भी है जिसकी प्राइस 3 लाख यूएस डॉलर। इसके अलावा इनके पास एक फोर्ड मॉडल भी है और एक स्मार्ट कार भी है। तो दोस्तों, ये थी साइमन कोविल की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर देखना चाहते हैं आप। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी होप दैट यू लाइक आवर वीडियोस एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.